Provate. Già sulle कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुश्ती संघ के ब्रजभूषण शरण जी सांसद ये फ्री स्टाइल भी शुरू हो गया पधारने वाले हैं फ्री स्टाइल कुश्ती 61 किलोग्राम और उनका कुश्ती के प्रति प्यार अपने संसदीय क्षेत्र में होने के ये कुश्तियाँ के बारे में बताते भी रहे लोगों को कि फाइनल है या सेमीफाइनल है और कितने कितने वेट की 61 किलोग्राम का सेमीफाइनल आपके सामने पता ही लग रहा है ब्रजभूषण शरण जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं हम सभी साहिल कुश्ती साहिल अगर मेरी आवाज सुन रहे तो एक बार यहाँ आए साहिल नाम भी हो रहा है ना ब्रजभूषण शरण जी अपने संसदीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी श्री जयप्रकाश पहलवान जी ने उन्हें फोन किया उन्हें बताया कि यहाँ पे कुश्तियाँ चल रही हैं तो उन्होंने फ्लाइट पकड़ के सिर्फ कुश्तियों देखने के लिए वो दिल्ली आए हैं बहुत अच्छी कुश्ती आपके बीच में और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कुश्तियों की गड़गड़ाहट तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो तभी पहलवानों की हौसला अफजाई होती है और हमारे बीच में वीरेंद्र कसाना जी हम वीरेंद्र कसाना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस जंगल में कि अपने कीमती समय से टाइम निकालकर पहलवानों की हौसला अफजाई के लिए वीरेंद्र कसाना जी हमारे बीच में मौजूद कुश्ती के प्रति उनका प्यार मनीष जी के कहने पर वो हमारे बीच आए हम उनका धन्यवाद करते हैं वीरेंद्र कसाना जी का बहुत ही अच्छी कुश्तियाँ आपके बीच में चल रही हैं और सभी पहलवान अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान हैं बहुत पैसे खर्च करने के बावजूद भी आप लोग ऐसे पहलवानों की कुश्तियाँ नहीं देख पाएंगे ये हमारा दावा है क्योंकि ये सभी पहलवान अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान हैं बहुत अच्छी कुश्तियाँ आपके बीच में चल रही हैं और इन कुश्तियों को हमारे गांव में लगातार छठी बार कराने का श्रेय श्री मनीष चौधरी जी को जाता है हम मनीष जी का बार बार धन्यवाद करते हैं चल भाई रेड चल 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 टाइम हो गया रेड पर स्लो एक्शन ले सेकंड है अब और हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण शरण जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और हमारे बीच में मौजूद श्री जयप्रकाश पहलवान जी वीरेंद्र कसाना जी व रमेश पहलवान जी सभी का आपको हमारे इस दंगल को आयोजन को सफल बनाने के लिए दो दिवसीय प्रोग्राम हमारे यहाँ पे चल रहा था इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी का तहे दिल से धन्यवाद कि इतना अच्छा अरेंजमेंट हुए इनका इतना अच्छा प्रोग्राम आपके हर जसोला में कराने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं लगातार छठी बार विकास छत्राल स्टेडियम हर्षित मंगल नरेश अखाड़ा ये भी तैयार रहेंगे इस कुश्ती के बाद और उसके बाद 79 किलोग्राम के पहलवान तैयार रहेंगे मुकेश बाणा स्टेडियम वर्सेज अनुज गुरु हनुमान अखाड़ा 30 सेकेंड बाकी है 10 सेकेंड बहुत अच्छी कुश्ती आपके बीच चल रही है
और हौसला अफजाई के लिए जितने भी हमारे दर्शक हैं पहलवानों की तालियां बजाकर उनके हौसले अफजाई में कमी ना छोड़ें। बुलाइए, समय समाप्त हो गया, 30 सेकंड बुलाओ। ये पसीना पुछवा ले। बहुत अच्छा आयोजन आपके बीच में गांव जसोला में, जो कुश्तियाँ आप देख रहे हैं ये दिल्ली चैंपियनशिप 61 के बाद 79 के पहलवान तैयार रहेंगे। मुकेश वाणा स्टेडियम वर्सेस अनुज गर हनुमान। बहुत अच्छा आयोजन आपके बीच में चल रहा है और बहुत अच्छी कुश्तियाँ, और हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण जी, लगातार छठी बार सांसद और अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़कर हमारे बीच में आए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। भगत भाई बुलाना, सुनो कौशिक भाई इतना बोल लिया ना ट्रॉफी से, वो मोमेंटो और शॉल ले। और अगली कुश्ती का हाथ हमारे बड़े भाई श्री वीरेंद्र कसाना जी, पूर्व चेयरमैन, वो हाथ मिलवाएंगे अगली कुश्ती का। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मनीष जी के आग्रह पर वो दंगल में पधारे, पहलवानों की हौसला अफजाई की और हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं श्री ब्रजभूषण शरण जी। वो इंतजार कर रहे थे कि राजबब्बर जी का, वो दूसरी फ्लाइट से आ रहे थे, वो दूसरी से आए तो उन्होंने सोचा साथ चले, पर राज बब्बर जी थोड़ा लेट होने के कारण नहीं आ पा रहे, वो कुछ लेट आएंगे, तो इसलिए ब्रजभूषण जी अब आ रहे हैं। हाँ, राज बब्बर भी आ रहे हैं, पर वो दोनों पहले साथ आ रहे थे, इंतजार कर रहे थे, पर वो थोड़ा 10-5 मिनट के एयरफेयर में आ रहे हैं, तो ब्रजभूषण जी हमारे बीच में 5 मिनट में पधारेंगे। और हम जब से ब्रजभूषण जी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, कुश्ती में बहुत बदलाव किया है, पहलवानों के लिए उनकी देख रेख के लिए बहुत उन्होंने खर्चे उठाए हैं और बड़ा अच्छा आयोजन पहलवानों के लिए उन्होंने, बहुत ही अच्छी कुश्ती आपके बीच में, बहुत ही अच्छे पहलवान आपके बीच में। और ये फैसला अंकों के आधार पर लाल कास्ट के पहलवान प्रवीण विजय रहे गोल्ड मेडल। तालियां बजाकर प्रवीण जी का स्वागत करेंगे सभी भाई। और अगली कुश्ती का हाथ मिलवा विकास छतराल स्टेडियम वर्सेज मंगल, जय सखाड़ा, जय।